मैनेजमेंट अकाउंट का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर वन था हमारा, उसी का हम सेकेंड मेथड यानी कि हमारा लेबर वेरिएंस वाली जो मेथड थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम उसके लिए पहले एक सम लेकर देखते हैं कि क्या है उसके फॉर्मूलेस के बारे में हम लिख लेते हैं पहले कि लेबर वेरिएंस के लिए कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज हो जाते। तो लेबर वेरिएंस, ओके, फॉर्मूलेस की लिस्ट हम पहले लिख देते हैं और क्या हमको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए वो भी लिख देते हैं। ओके, तो फॉर्मूलेस के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे हमको मटेरियल में क्या चाहिए था एस क्यू, या हमको एस एच, बिकॉज लेबर वर्क्स एज पर आवर्स। ओके, तो एस एच एंड रेट, पर लेबर आवर का जो रेट होता है वो हमको यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एस एच एस आर। सेम वे एक्चुअल के लिए क्या रहेगा, ए एच और ए आर, कि हमारा एस एच फॉर स्टैंडर्ड आवर्स, एस आर फॉर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट। ओके, लेबर्स के टाइप जो भी होंगे हम क्यों लिखेंगे, लेबर्स किस टाइप के हैं वो यहाँ लिखेंगे हम। उसके बाद में हमारे पास में होगा क्या, पहले फॉर्मूलाज को लिखना है हमको। तो फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फॉर्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है लेबर कॉस्ट वेरियंस। जैसे कि हमारे पास में मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है, सेम हमारे पास में यहाँ पर क्या है, लेबर कॉस्ट वेरियंस है। तो लेबर कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। सेम लेबर रेट वेरियंस निकालना है हमको, क्या निकालना है, लेबर रेट वेरियंस। तो लेबर रेट वेरियंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेबर रेट वेरियंस के लिए हम क्या करेंगे, ए एच एस आर माइनस ए आर। लेबर रेट वेरियंस फाइंड आउट करने के बाद में हमारे पास में आता है हमारा लेबर यूसेज वेरियंस, या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी वेरियंस भी बोल सकते हैं। ओके, यूसेज या तो एफिशिएंसी वेरियंस, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, एस आर एस एच माइनस ए एच। चौथा फॉर्मूला हमारा इसके अंदर लेबर के अंदर होता है लेबर मिक्स वेरियंस। तो लेबर मिक्स वेरियंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एस आर लिखना होगा, एस आर के बाद में हम लिखेंगे आर एस एच माइनस ए एच। ओके, अब पांचवा नंबर का वेरियंस हमारा जो रहेगा लेबर मिक्स के बाद में हमारे पास में क्या आता है, यील्ड वेरियंस। यील्ड वेरियंस का फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट की जगह पे पर आवर भी हो सकता है हमारे पास में, इनटू ए एच माइनस आर एस एच। और हमारे पास में आएगा एक और जो हमारा सब यूसेज वेरियंस था, सब यूसेज की जगह हम क्या बोल सकते हैं, सब एफिशिएंसी वेरियंस भी बोल सकते हैं इसको। उसका फॉर्मूला रहेगा एस आर एस आर एस एच माइनस आर एस एच। इसका दूसरा नाम क्या है, लेबर सब एफिशिएंसी वेरियंस। जब हमको यहाँ आर एस एच की जरूरत पड़ेगी तो पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आर एस एच इज इक्वल टू टी एच इंटू एस एच अपॉन टी एस एच। जैसे हमारा आर एस क्यू था, सेम वे वी कैन फाइंड आउट आर एस एच हियर। ओके, सो दीज आर अवर फॉर्मूलाज एंड देन वी विल कैलकुलेट ए सम ऑफ योर बुक सुधीर प्रकाशन।